हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज का मैं ब्लॉग बहुत स्पेशल बनाई हूँ आज के ब्लॉग में मैं नहीं दिखूँगी आपको बंसु ही दिखेगा आज मैं इस ब्लॉग में बंसु का डेली रूटीन लाई हूँ और बंसु क्या क्या करता है घर में कितनी बदमाशी क्या खाता है क्या पीता है आज मैं उसके ऊपर ब्लॉग बनाई हूँ तो आज का ब्लॉग है बेबी रूटीन तो अभी यहाँ पास वंशु खेल रहा था दोपहर की टाइम थी ना तो वो खेल रहा था तो चलिए सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सुबह हो गई है बंसु नहा रहा है नहाने के टाइम ही वो ब्रश करता है क्योंकि पहले ब्रश करा देती हूँ तो कपड़े सारे गंदे कर लेता है वैसे वो खा पी कर ही ब्रश करता है अभी ये दो साल का है तो अभी ये ब्रश करना सीख रहा है वैसे ये हफ दिन बीच करके नहाता है तो एक दिन बीच करके ही ब्रश करवाती हूँ मैं इसको क्योंकि ये ये अपने से जब भी अगर मैं जिस दिन ये नहीं नहाएगा उस दिन ब्रश करवा देती हूँ तो सारे कपड़े गंदे कर लेता है नहलाना पड़ जाती है मुझे और अभी ठंड बहुत इधर हो रही है तो मैं एक दिन बीच कर कर ही इसको नहलाती हूँ तो ये देखिए ये ब्रश कर रहा है और ये जब भी ब्रश करेगा तो मुझे भी बोलेगा मम्मा आप भी करो आप भी करो तो मैं इसको हमेशा एक दिन बीच करके ब्रश कर करती हूँ मैं ही करती हूँ इसकी ब्रश और इसके लिए अलग कॉलगेट लाई हूँ ला ला कर रखे रहती हूँ क्योंकि मैं दूसरे कॉलगेट से करती हूँ और इसके लिए दूसरे कॉलगेट लाई हूँ तो ये देखिए ये भी और बोल रहा था मम्मा और ब्रश करनी है मुझे तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर ली है तो उसका ब्रश हो गया है मैं इसको जल्दी से नहला दूंगी और पहले इसका मैं बाल डेली धो देती थी लेकिन अभी ठंड का मौसम है तो ठंड में मैं खुद अपने बाल नहीं धोती हूँ जल्दी हफ्ते में एक बार धोती हूँ वैसे पानी सर पे रोज डालती हूँ तो इसका आज मैं बाल भी धोऊँगी क्योंकि एक हफ़्ता हो गया था इसने बाल में सेम्फुल नहीं किया था और आपको एक बात बताऊं मैं जब ये छोटा था जब ये हुआ था ना तो मैंने इसको एक से दो महीने तक नहलाया नहीं था मुझे ना इसको नहलाने में बहुत डर लगता था तो मैं अपनी सासू माँ को ही बोलती थी मम्मी आप नहला दो तो और मैं उन्हीं का इंतजार करते रहती थी कि मम्मी नहलाएंगी नहलाएंगी मुझे इसको नहलाने में बहुत डर लगता था बहुत छोटा था उस टाइम आदत नहीं थी ना नई नई माँ बनी थी तो मुझे आदत नहीं थी लेकिन अब तो मैं कितने भी छोटे छोटे बच्चे दे दूँ मैं नहला दवा के एकदम रेडी कर दूँगी तो वो वाली बातें ना आज मुझे याद आ गई थी जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये देखिए नहा धो के रेडी हो गया है और इसको मैं पैर में तेल लगा दी हूँ हाथ पैर में भी तेल लगा दूँगी और कपड़े पहना दूँगी मैं तो हमेशा मैं ठंडी में जब भी इसको नहलाती हूँ तो ब्लूमर चालू कर लेती हूँ जो गर्म हवा फेंकता है वो वाली चालू कर लेती हूँ जब ये छोटा था जब ये हुआ ही था ठंड में तो मैं उसी टाइम ब्लूमर ख़रीद ली थी तो देखिए वो जो रेड वाला है ब्लूमर है उससे गरम गरम हवा फेंकता है तो मैं वही चालू करके इसको हमेशा कपड़े उपड़े पहनाती हूँ और बॉल वॉल सारे इसके उसी से सुखा देती हूँ तो ऐसे भी ये ठंड में हमारा ब्लूमर चलते रहता है बैठ पे बैठ के हम लोग ब्लूमर लगा लेते हैं और मैं भी कभी कभी नहा कर आती हूँ तो ब्लूमर में थोड़ा सा गर्म हो जाती हूँ बाल जिस दिन मैं धोती हूँ उस दिन जरूर ब्लूमर चालू करके बाल को दम सुखा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जुकाम हो जाती है ठंड में तो इसको मैं लगा रही हूँ मुंह में क्रीम लगा रही हूँ जो क्रीम नहीं है मतलब बेबी मॉइस्चराइज़र क्रीम है तो हिमालय का जो मैंने आपको देखा ही होगा एक ब्लॉग में मैं डाली थी मंगाई थी मैं ठंड में मंगाती हूँ उसको तो इसको मैंने शर्ट फिर उसके ऊपर पहना दी मैं वेस्ट बंगाल और उसके ऊपर पहना दूंगी मैं ये वाली टी शर्ट ये वाली टी शर्ट थोड़ी मोटी है तो बस आज इतना ही रात शाम अभी अभी तो सुबह हुआ है शाम को मैं इसके ऊपर स्वेटर पहना दूंगी तो आज बहुत हवा चल रहा था बाहर में तो मैंने आज इसको टोपी भी पहनाया था बाद में और आज ये दस्ताने वस्ताने सारा पहना था और ये बहुत मस्ती करता है कपड़े पहनने के समय बहुत मस्ती करता है तो मैं इसको बोल बोल के बोल बोल के हर काम कराती हूँ तो आज मैं इसी का रूटीन लेके आई हूँ और इसके बाद ये खाना खाएगा तो खाना खाने का मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये जब भी खाना खाता है तो मोबाइल देख कर खाता है और मोबाइल मेरे पास एक ही था इसके पापा ऑफिस गए हुए थे तो ये ये गेम खेल के या खाना खा कार्टून देख के ही खाना खाता है तो यहाँ पास मैं उसको लगा रही थी नारियल तेल तो नारियल तेल आजकल ठंड में जम जाती है तो मैं ब्लूमर के सामने थोड़ा सा कर रही थी ना तो वो पिघल जा रही थी तो ये देखिए इसके बाल आज धोई हूँ ना मैं तो इसको बालों में अच्छे से तेल चंपी कर देती हूँ फिर चोटी कर दूँगी क्योंकि ना ये बाल से बहुत परेशान हो जाता है और मैं इसके बाल इसलिए नहीं कटवा पा रही हूँ क्योंकि मैं गाँव नहीं जा रही हूँ इसका मुरना लिखा हुआ है मुरना करवाना है सॉरी लिखा हुआ नहीं है मुरना इसका करवाना है तो इसका मुरना जब होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी इसका मुरना होगा बोलबम जहाँ जाते हैं न बोलबम तो वहीं इसका मुरना करना है इसके दादा ने करवाना है इसका मुरना तो इसीलिए इसके बाल हम नहीं कटवाते हैं बचपन से इसका ये सी बाल है बढ़ता जा रहा है इस साल हम लोग करवा देते लेकिन कोरोना हो गया ना तो गांव नहीं जा पा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं की हूँ मैं बस नहा होकर बस नहा धोकर बस हूँ बाल वाल में बाल वाल भी नहीं झा रही मुँह में कुछ भी नहीं लगाई हूँ और यहाँ पस वंसु की चोटी हो गई है और अब वंसु नाश्ता वास्ता करेगा तो वंशु मेरा रेडी हो गया है <laughs> तो वंशु ने ना नाश्ता वास्ता कर लिया था नाश्ता वास्ता करने के बाद वो धूप में बहुत खेला है आपने उस समय का वीडियो देखा होगा सबसे शुरू में मैं डाली थी तो वो धूप में बहुत देर खेला है उसके बाद घर आया है तो मैं इसको दूध पिला रही हूँ तो यहाँ पस मैं बहुत सारी सब्ज़ियाँ ख़रीदी थी मेथी खरीदी थी एक के जी मेथी है मेरा एक के जी मटर है दो ढाई किलो आलू है तो आज मैं सब्ज़ी खरीदी थी मेरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी तो वही मटर छील रहा है मैं ना उसको बीच से फाड़ कर देती हूँ फिर वो मटर निकाल निकाल कर डालता है और अब मेरा वंशु थोड़ा सा दूध पीना स्टार्ट कर दिया है तो मैं इसको दिन में दो बार दूध पिलाती हूँ ज़्यादा नहीं पिलाती आधा आधा गिलास पिलाती हूँ क्योंकि ये भी फिर परेशान हो जाएगा अभी अभी ये स्टार्ट ही किया दूध पीने और ये ऐसे ही करता है खाना खाना हो या दूध पीना हो भाग भाग कर भाग भाग कर खाता है पीता है बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं इसको खाना खिलाने में और दूध पिलाने में चैन से एक जगह खड़े हो के खाता पीता है नहीं और अभी इसको मोबाइल दे दूँगी ना तो तुरंत खा पी लेगा और क्योंकि मैं मोबाइल से बना रही थी वीडियो तो ये भाग रहा था मोबाइल के पास तो ऐसे ही करता है ये दूध फिनिश कर दिया था तो मैं मटर छील रही थी मैं सोची बाहर में धूप में बैठी थी मैं उसी टाइम मुझे छील लेना था मुझे याद नहीं था तो मैं घर में छील कर रख रह रही हूँ वैसे मैंने आज भी मटर बनाया था तो अभी मटर मटर का सीज़न आजकल है और मटर कभी कभी मुझे सस्ते मिल जाते हैं तो मैं एक दो किलो खरीद कर छील कर रख देती हूँ फ्रिज में कभी भी सब्जी नहीं रहती है तो मैं बना लेती हूँ और यहाँ पस देखो बंसु क्या कर रहा है ये ना मेरा ब्लूटूथ था जो इसने तोड़ दिया है और इसको अभी भी लग रहा है कि ये ब्लूटूथ है तो उसको कान में डाल रहा है अभी पता है इसका टूटे हुए लगता है दो तीन महीना हो गया इसको अभी तक याद है ये गले में ऐसी टांग लेता है और कान में दोनों कान में घुसा लेता है तो बच्चे को ना बहुत याद रहती है बहुत याद रहती है और ये ना मटर छीट रहा था मैं मटर छील रही थी मुट्ठी में ले जा ये देखो छीट रहा है बहुत परेशान करता है ये तो कैसा लग रहा है आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा तो जो हमारे मटर का छिलका था मैं बाहर रख देती हूँ गाय खाएगा करके तो बंसुना एकदम मेन गेट के द्वार के सामने ही रख दिया था मैं उसको बोली साइड में रखो तो वो द्वारे पे ही रख दिया था तो मैं उसको साइड में बता रही हूँ तो मैं कुछ भी भाजी वाजी कुछ भी बनाती हूँ तो उसके छिलके ऐसे साइड में रख देती हूँ गाय आती है खा लेती है तो ये देखिए वंशु टोपी पहना है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी हवा बहुत तेज़ हो गई थी और ये टोपी मैंने खुद ही बनाया है तो ये देखिए इसके पापा आ गए हैं आजिया गए रे आजिया गए रे आजिया गए रे आजिया गए रे जीव कितना बड़ा निकाला है भाई कुछ भी नहीं आया तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, नहीं। <laughs> क्या बेटा जी नहीं। क्या नहीं लाए तो इसके पापा जब भी ऑफिस भी से आते हैं वैसे ही आजकल ऑफिस नहीं जा रहे थे तो इसको आदत नहीं थी और अब थोड़ा बहुत ऑफ़िस जाने लग गए हैं तो ये बहुत मिस करता है अपने पापा को जब भी इसके पापा आते हैं ना तो बहुत डांस करता है ऐसी बोल बोल के बहुत डांस करता है और अभी चीज़ी मांग रहा है अपने पापा से क्योंकि अब इसको ना चीज़ी ला कर देते हैं ना तो आदत हो गई है तो फिर ये देखिए बाहर से गया था चाउमीन लाने के लिए चाउमीन लेके आया है तो मैं मुझे भी बहुत मन कर रहा था खाने से खाने के लिए दो तीन दिन से मुझे भी मन कर रहा था तो उसके साथ देखिए मोमोज़ की चटनी है और ये चाउमीन है तो आज हम लोग यही खाएंगे बहुत मजा आता है और बहुत टेस्टी लगती है और मोमोज की चटनी के साथ तो बहुत मजा आ जाता है और ये पता है वंशु अपने लिए लाया था लेकिन वंशु ने कम और हम दोनों ने कुछ ज्यादा इंजॉय किया था बहुत यमी बनता है बहुत यमी बनता है और वंशु बहुत खुश हो जाता है चाउमीन देख के तो मैं इसके लिए ना अलग से निकाल देती हूँ और हम लोग अपना चटनी मिला के खाते हैं मोमोज़ वाली चटनी बहुत यमी लगती है तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेलाइकन को भी दबा दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो